हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे मैगी चिकन पॉप्स। आप इसे इफ्तार पर भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे एज अ पार्टी स्टार्टर या फिंगर फूड की तरह भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मैगी चिकन पॉप्स। सबसे पहले हमें चाहिए मैगी। ये 10 रुपीज़ वाला छोटा पैक है। इसे मैं टेस्ट मेकर ऐड करके जिस तरह से 2 मिनट्स वाली मैगी होती है उसी तरह से बॉईल कर लूँगी। नूडल्स हमने बना के ठंडे कर लिए। अब इसे ले लेंगे बड़े बोल में। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 कप बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन, 2 बड़े आलू मीडियम साइज के, सॉरी 2 बड़े आलू बॉईल और मैश किए हुए, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन व्हाइट और ग्रीन्स दोनों यहाँ पर डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेशली कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नूडल्स हमने टेस्ट मेकर के साथ बॉईल किए थे उसमें भी नमक है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा इसमें से मिक्सचर उठाएंगे और इसे बॉल की शेप दे देंगे। नूडल्स आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला फ्लेवर यूज़ किया है। इस तरह से इस साइज़ के हम पॉप्स बना लेंगे। इस तरह से सारे पॉप्स हमारे रेडी हो गए। अब हम उन्हें एक एक करके अंडे में डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडे फेंट के लिए हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। इस तरह से सारे पॉप्स हम रेडी कर लेंगे। अब हम अपने मैगी पॉप्स को गरम तेल में मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गए, निकालेंगे और गरम गरम एंजॉय करेंगे।